हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, जो आज की बड़ी अपडेट है वो है SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स के बारे में। आज की तीन बड़ी अपडेट्स आई हैं इस जो है कमीशन के बारे में। सबसे पहली अपडेट है SSC JEE की परीक्षा के बारे में। इस परीक्षा में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए, कितने यहाँ पर एब्सेंट रहे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और SSC JEE और सिलेक्शन पोस्ट की जो भर्ती होती है उसके बारे में एक ज़रूरी सूचना आई है। इन तीनों अपडेट्स को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं क्या ये जानकारी है इन तीन बड़ी अपडेट के बारे में, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल अपडेट के साथ ये पूरी जानकारी शेयर करूँगा और जो ज़रूरी सूचना है वो आपको दूंगा। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके एग्ज़ाम से जुड़ी अपडेट शेयर करता हूँ। अगर आप किसी सरकारी नौकरी या फिर किसी भी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज की बड़ी अपडेट्स पर। SSC की जो एग्ज़ाम से जुड़ी बड़ी अपडेट्स हैं उनको जानते हैं। देखिए, आज की न्यूज है SSC है जो उसका जो 47% यानी 47% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी JEE 2020 की भर्ती परीक्षा। जो JEE 2020 की जो जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा होती है उसमें जो है 47% परीक्षार्थी अब्सेंट रहे हैं। ओके, तो जानते हैं पूरी खबर क्या है। अंतिम दिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई उसमें 58.19% उपस्थिति रही है। इतने कैंडिडेट्स उसमें परीक्षा देने आए हैं। देखिए, ये पूरी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की जो जूनियर इंजीनियर JEE परीक्षा 2020 है वो बुधवार को पूरी हुई है और SSC मध्य क्षेत्र यानी जो सेंट्रल रीजन है, उत्तर प्रदेश बिहार का रीजन, उसके लिए परीक्षा के तीसरे दिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की परीक्षा हुई थी। इसमें जो पंजीकृत कुल लगभग जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो हैं 32,813 और उनमें से जो 19,093 उपस्थित रहे हैं, प्रेजेंट रहे हैं, ये परीक्षा देने आए हैं। लगभग उपस्थिति है 58.19%। ओके, SSC मध्य क्षेत्र के जो निदेशक हैं राहुल सुचान जी, उनके अनुसार परीक्षा में जो है कहीं से किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई है, अच्छे से कंडक्ट की गई है परीक्षा और शांतिपूर्वक ये परीक्षा हुई है। निदेशक के अनुसार परीक्षा के पहले दिन जो मैकेनिकल इंजीनियर का पेपर था जूनियर इंजीनियर के लिए उसमें 42.67%, दूसरे दिन सिविल इंजीनियरिंग में 57.78% और तीसरे दिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है वो उपस्थिति रही है 58.19%। ओके, तो कुल मिलाकर जो 53.12% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। इस प्रकार लगभग जो 47% जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने परीक्षा छोड़ दी है। JEE की परीक्षा में जो कुल पंजीकृत विद्यार्थी हैं वो 1,29,061 जो परीक्षार्थी हैं, इतनों ने जो है फॉर्म भरा था ये, और जो अभी पेपर दिया है वो दिया है 68,557 परीक्षार्थियों ने। तो इस प्रकार लगभग जो कुल जो पूरे पेपर की SSC JEE का जो पेपर है ये, इसके जो पूरा पेपर है उसकी जो कैंडिडेट अपीयर हो लगभग 46.88 यानी 47% के लगभग ये परीक्षार्थी इसमें उपस्थित रहे हैं। दूसरी खबर पे आते हैं। जो दूसरी खबर है वो है विज्ञापन से रिलेटेड। एक जो सिलेक्शन पोस्ट की SSC की जो सिलेक्शन पोस्ट की भर्ती होती है उसका विज्ञापन है वो निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। SSC की ओर से जो सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 2019 की ये भर्ती है जिसके लिए पोस्ट का नाम है ये साइंटिफिक असिस्टेंट के पद थे, उनको निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। SSC जो मध्य क्षेत्र के डिप्टी डायरेक्टर हैं उनकी ओर से जारी सूचना में कहा गया कि इन पदों का विज्ञापन जो कि प्रशासनिक कारणों से यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं कुछ, उनकी वजह से ये निरस्त कर दिया गया। फिर है कांस्टेबल भर्ती। जो JEE कांस्टेबल की भर्ती होती है उसके बारे में SSC की ओर से जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए जो कांस्टेबल JEE की परीक्षा ली जाती है उसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया वो 25 मार्च से शुरू हो जाएगी। ओके, इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 10 मई तक लिए जाएंगे यानी फॉर्म आपके 10 मई तक भरे जाएंगे। आयोग कांस्टेबल JEE के पहले चरण की जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है इसके लिए जो पेपर होगा वो 2 से 25 अगस्त के बीच कराया जाएगा। कांस्टेबल JEE के तहत जो है ऐसे
SSB, CISF, CRPF, असम राइफल्स, BSF, CISF, इन सभी के जो सिपाही हैं उन पदों पर भर्ती की जाती है। SSC के द्वारा ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो इसका फॉर्म अभी 25 मार्च से शुरू होने वाला है और ये आप भर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये तीन बड़ी अपडेट से जुड़ी आपके लिए ज़रूरी खबर थी, ज़रूरी सूचना थी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो फ्रेंड्स इसी अपडेट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स जो मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता हूँ अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए और हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इन ज़रूरी अपडेट्स के साथ, आज की इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अपडेट्स और अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।